तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वेब टेक क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करेंगे और अनइंस्टॉल कैसे करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को इंस्टॉल करना सीख लेते हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीख लेते हैं। इसके बाद जो सॉफ्टवेयर को हम लोग इंस्टॉल करेंगे उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग अनइंस्टॉल भी करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंप्यूटर सेटअप पर, ठीक है। और हमने आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एफ ड्राइव पर गया और एफ ड्राइव के बाद यहाँ हमारा सॉफ्टवेयर नाम का एक फाइल है जिसमें मैंने देखिए आपको सामने कई सारे सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं क्योंकि इनका मैं यूज़ करता हूँ अपने कंप्यूटर में। तो ये सब जो सॉफ्टवेयर है ये इसका सेटअप है। तो अगर दोस्तों आपको कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको उसका सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी। तो या तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए या बाहर किसी शॉप से भी आप इसको पेन ड्राइव में कॉपी करके ला सकते हैं और फिर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इतने सारे मैंने सॉफ्टवेयर का सेटअप रखा हुआ है, तो चलिए इनमें से कोई एक को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक सेटअप है जो टैली ERP 9 का, ठीक है। तो अगर आप टैली सीखते हैं कंप्यूटर में तो इसका ये सॉफ्टवेयर है, तो इसी को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर एक बार क्लिक करना है, सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको माउस से राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद देखिए आपको थर्ड नंबर में एक ऑप्शन मिलेगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक यहाँ पर ऑप्शन है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आपको कुछ देर वेट करना है, आपसे एक परमिशन मांगेगा, इस पर आपको यस कर देना है। और यस करने के बाद देखिए आपका जो सेटअप है वो इंस्टॉल होना प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो आपको कुछ समय वेट करना है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो चालू हो चुका है। देखिए यहाँ पर सेटअप का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है। तो अभी मैं पहले इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे आ जाइए और यहाँ पर देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस इंस्टॉल वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हो सकता है जितना बड़ा सॉफ्टवेयर होगा थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, अगर छोटा सॉफ्टवेयर होगा तो जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको इस तरह कुछ समय वेट करना है और देखिए हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों ऑलमोस्ट 50% कम्प्लीट हो चुका है। बस ये थोड़े देरी में आपका जो टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर है ये हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों लगभग कंप्लीट हो चुका है। आपको देखिए यहाँ पर दोस्तों आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड टैली ERP 9, ठीक है। ये जो हमारा टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हमारे कंप्यूटर में हो चुका है। अब आपको यहाँ से डन कर दीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक इसका शॉर्टकट भी बन गया है और ये ऑटोमेटिक ओपन भी हो जाएगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। और आप यहां पर भी दोस्तों देख सकते हैं यहां पर एक टैली ERP 9 का शॉर्टकट भी बन गया। आप यहां से भी चाहें तो इस पर राइट क्लिक करके यहां से आप ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को। तो देखिए मैं यहां से ओपन कर देता हूं, तो देखिए हमारा ये टैली ERP 9 ओपन हो गया। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है इंस्टॉल करना। तो चलिए मैं एक दो सॉफ्टवेयर आपको और इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको और दिखाता हूँ। तो चलिए फिर से हम लोग कंप्यूटर वाले आइकन पर चलते हैं और हमने एफ ड्राइव पर रखा था और सॉफ्टवेयर नाम का फाइल है। देखिए दोस्तों इतने सारे हैं तो इनमें से कोई एक और इंस्टॉल हम लोग करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों आप देखिए यहाँ पर एक VLC मीडिया प्लेयर है, ठीक है, जो वीडियो और ऑडियो को आप अगर चलाते हैं वीडियो अपने कंप्यूटर में या ऑडियो सुनते होंगे तो इसकी VLC मीडिया प्लेयर की ज़रूरत पड़ती होगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ये हमारे कंप्यूटर में नहीं भी है, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए देखिए हमने यहाँ पर सेटअप इसका डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है, इंटरनेट से। तो इस पर डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके माउस से इसे हम ओपन कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा दो सेटअप है, एक VLC 3.0 32, है ना। अगर 32 बिट का अगर आपका सॉफ्टवेयर है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको 32 बिट का ही यूज़ करना है, इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में। और अगर आपके कंप्यूटर में 64 बिट का है सॉफ्टवेयर है तो आपको 64 बिट का ही इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों इस पर आप इसको आप कैसे जानेंगे तो मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ। तो इसको मैं पहले यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ
और आप देखिए दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर का आइकन है, इस पर आपको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आप नीचे चले जाइए प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम जो टाइप हमारा यहाँ पर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 64-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो हमारा 64-बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए हम लोग 64-बिट का ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। अगर आपका 32-बिट का है तो आप इस तरह ओपन करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 64-बिट का इस पर मैं सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए आप ये देखिए दोस्तों, है ना, सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने बोल रहा है। तो हर दोस्तों जब भी आप सॉफ्टवेयर कोई भी इंस्टॉल करेंगे तो सब में जो फंक्शन है हो सकता है अलग अलग हो सकता है, तो आपको जो भी ये चीज़ है वो पढ़ पढ़ के उसको स्टेप को आगे बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो यहाँ इंग्लिश पहले से सेलेक्टेड, अगर आप कोई और लैंग्वेज चाहते हैं तो आप यहाँ से कई सारे यहाँ लैंग्वेज दिए हुए, तो इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ ओके प्रेस कर लेता हूँ। जैसे ओके प्रेस करेंगे यहाँ पर देखिए इसका विजार्ड आ जाएगा और यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए बोलेगा, ठीक है। तो आपको यहां पर देखिए बोल रहा है क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू, तो आपको यहां पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आप यहां पर नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक कर लीजिए और इसके बाद फिर से आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो प्रोसेस आ गया ये इंस्टॉल प्रोसेस आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन फोल्डर, मतलब जो भी ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपका जो इंस्टॉल होगा वो सी प्रोग्राम फाइल और वीडियो लाइन, है ना, इसका नाम है, ये सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा। तो कोई भी जब भी दोस्तों आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में तो ये सी ड्राइव में ही रहेगा और कोई ड्राइव में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं चेंज करना तो ड्राइव को यहाँ ब्राउज से चेंज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे अच्छा रहेगा कि आप सी ड्राइव में ही रहने दें, तो इसमें कोई भी आप छेड़छाड़ ना करें। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है और नीचे यहाँ पर इंस्टॉल प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आपको कुछ समय वेट करना है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर लगभग 150 MB का है। तो देखिए इंस्टॉल प्रोसेस चालू हो चुका है। ये देखिए दोस्तों हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो लगभग खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या आ रहा है, यहाँ पर एक फिनिश का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट है, तो इस फिनिश वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं यहां से सेटअप को भी क्लोज कर देता हूं। तो देखिए हमारा जैसे हमने इंस्टॉल किया ये हमारा VLC मीडिया प्लेयर ओपन हो गया, ठीक है। तो जब जब आप इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले ये आपका कोई भी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसका यूज़ करेंगे तो ये फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर में, एक टैली ERP 9 और एक VLC मीडिया प्लेयर। अब दोस्तों मैं आपको सिखाता हूँ कि आप इस दोनों प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कैसे करेंगे। देखिए अब हमने अनइंस्टॉल इसको करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सर्च बार में यहाँ पर आ जाना है। अगर आप विंडो 10 या विंडो 8 जो भी यूज़ कर रहे हैं तो सब में सर्च बार होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सर्च का ऑप्शन दिया हुआ, तो हमारा विंडो 8 है, तो यहाँ सर्च बार पर आ जाना है और यहाँ आपको टाइप करना है कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो जैसे आप कंट्रोल ही लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल पैनल का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। इस कंट्रोल पैनल पर आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा देखिए कंट्रोल पैनल का। तो यहाँ से दोस्तों हम सारे कंप्यूटर का जो भी सेटिंग है ना, प्रोग्राम है, वो सब यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम लोग को प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है, जो हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसको करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा प्रोग्राम एंड फीचर्स का, ठीक है। अगर प्रोग्राम एंड फीचर्स का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, अगर आपके कंप्यूटर कंट्रोल पैनल में आपको नहीं दिखाई देता है, तो यहाँ पर आप सर्च बार में ऑप्शन पर आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए सर्च बार का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और सर्च बार पर आपको यहाँ पर टाइप करना है प्रोग्राम, ठीक है। और जैसे ही दोस्तों आप प्रोग्राम ही लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में यहाँ पर आपका प्रोग्राम एंड फीचर्स का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इस पर आपको क्या करना है, इसके नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा एक टैली ERP 9 हमने इंस्टॉल किया था और एक VLC मीडिया प्लेयर हमने यहाँ इंस्टॉल किया था। अब इसको हम लोग अनइंस्टॉल करेंगे। तो अनइंस्टॉल करने के लिए दोस्तों इस पर आप सेलेक्ट करना है एक बार माउस से और इसके बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अनइंस्टॉल और चेंज का, तो आपको इसी ऑप्शन पर एक बार माउस से क्लिक कर देना है।
तो अब आपका जो है वो अनइंस्टॉल जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अनइंस्टॉल करने के लिए देखिए यहाँ ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है अनइंस्टॉल, तो आप अनइंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और देखिए दोस्तों हमारा जो प्रोग्राम है वो अनइंस्टॉल होने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। तो आपको कुछ समय वेट करना है। देखिए दोस्तों अब हमारा जो है प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर लिख रहा है यू हैव सक्सेसफुली अनइंस्टॉल टैली ERP 9। आपको यहाँ से सिर्फ डन कर देना है। अब हम लोग को एक बार आप यहां से क्या कीजिए, राइट क्लिक करके और यहां पर रिफ्रेश कर लीजिए ताकि कोई भी प्रोग्राम अगर रह गया हो तो वो भी यहां से हट जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए हमारा सक्सेसफुली पूरा यहां से अनइंस्टॉल हो चुका है। इसी तरह देखिए यहां पर VLC मीडिया प्लेयर भी है, तो इसको भी हम लोग यहाँ से अनइंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखिए राइट क्लिक किया हमने और यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद देखिए और यहाँ पर अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे आप इंस्टॉल किए थे उसी तरह का प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर आप नेक्स्ट करते जाइए और देखिए यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन है, अनइंस्टॉल पर आप क्लिक कर लीजिए और देखिए दोस्तों कुछ मिनटों में ही ये आपका VLC मीडिया प्लेयर जो है वो आपके कंप्यूटर से अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर फिनिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपने देखा कि यह कितना आसान है प्रोग्राम को इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना। तो सिर्फ आपको अपना जो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं प्रोग्राम, उसकी आपको सिर्फ सेटअप की जरूरत पड़ेगी, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर आके आप कंट्रोल पैनल में आके प्रोग्राम फीचर्स में आके आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।